शिवराज सिंह का बयान, कहा भाजपा है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमने तय किया है कि महापौर का चुनाव। कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी, ईडी कार्यालय के घेराव की कोशिश, राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपा ज्ञापन। और मोबाइल चोरी के शक में 5 छात्रों ने की एक छात्र की पिटाई, पापा के बहाने घर में बुलाया था आरोपी, कमरे में बंद करके बेहोश हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में लगातार विरोध जताया जा रहा है। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत 7 राज्यों तक पहुंच गई है। दुखद बात तो यह रही कि हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो उधर पलवल में हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी। इतना ही नहीं, डीसी आवास पर भी जमकर पथराव किया। राहुल गांधी से 3 दिन में 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, जिसके बाद ईडी ने गुरुवार को ब्रेक दिया और शुक्रवार को दोबारा पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है, जिस पर राहुल गांधी ने ईडी से अपील की है कि उन्हें पूछताछ के लिए शुक्रवार को नहीं सोमवार को बुलाया जाए। और इधर कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है, जिसको लेकर पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इतना ही नहीं, हैदराबाद में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने पुलिस कर्मी से बदसलूकी करते नजर आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी और अलग पार्टी है। पार्टी विथ डिफरेंस ने स्थानीय निकाय के चुनावों में भी उम्मीदवार चयन के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए थे और मुझे खुशी है कि पार्टी ने निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं। इसके बाद शिवराज ने कहा कि विधायक को महापौर का टिकट देना आसान होता है, लेकिन हमने तय किया है कि महापौर का चुनाव विधायक नहीं लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का यही अभाव है। कांग्रेस पार्टी में या तो कार्यकर्ता नहीं है, और अगर कार्यकर्ता है तो उनकी इज्जत नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे अलग पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस। पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उम्मीदवार चयन के लिए कुछ गाइडलाइन तय की, कुछ मापदंड निर्धारित किए, और मुझे गर्व और खुशी है कि निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं। एक व्यक्ति एक पद, अकेली भारतीय जनता पार्टी जिसने तय किया कि विधायक हैं तो महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक को टिकट देना महापौर का आसान होता, लेकिन हमने तय किया कि विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे महापौर का। कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का ही अभाव है, या तो कार्यकर्ता नहीं है या कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। कई जगह विधायक ही लड़ा दिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा 3 दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध कर रही है। कल दिल्ली में कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया और ईडी के दफ्तर के घेराव की कोशिश भी की गई। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने रायपुर के अम्बेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद राजभवन का घेराव किया गया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन भी सौंपा गया।
केंद्र सरकार से हमारी मांग है जो संवैधानिक संस्थाएं चाहे उसके संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा हो। मोदी सरकार इन संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करती है। इंदौर के भवरकुआ में मोबाइल चोरी के शक में छात्रों के एक समूह ने बीकॉम के एक छात्र की बेरहम से पिटाई की, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद होश में आने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के मुताबिक मुख्य आरोपी पंकज जाट का रविवार को मोबाइल चोरी हो गया था, जिसके शक में आरोपी को पीड़ित पर था, जिसके बाद आरोपी ने फोन करके अपने रूम बुलाया, जहां आरोपी के हाथ पैर बांधकर उसे तब तक पीटते रहा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल में जुट गई है। दिनांक 14 जून 2022 को चेतावत पेट्रोल पंप के पास में जो आरोपी है पंकज जाट और पीयूष जाट, इनका कोई मोबाइल चोरी की शंका में इन्होंने फरियादी जो मोहित सिसोदिया है उसको फ़ोन करके बुलाया था और उससे ज़बरदस्ती चोरी कबूलवाने की प्रयास में इनके द्वारा मोहित सिसोदिया के साथ और उसके साथी विमलेश वैष्णव और विकास जाट के साथ मारपीट की गई थी। गैस जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर है उसका जो पाइप रहता है उसके साथ इनके द्वारा मारपीट की गई है, जिसके कारण से जो फरियादी और साक्षी हैं उनको पीठ पर चोट आई है, मेडिकल कराया गया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी में टिकट ना मिलने पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी जारी है। नाराज नेता कभी इस्तीफा दे रहे हैं तो कभी प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भोपाल और सतना के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसमें पार्टी द्वारा पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगाया गया है। नेताओं ने बाहरी लोगों के टिकट देने का विरोध करते हुए कहा कि हमने घर घर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और आज हमें भूलकर 6 महीने पहले पार्टी में आए नए लोगों को टिकट दिया जा रहा है। आपको बता दें कि नाराज नेताओं को समझाइश देने का काम पूर्व सांसद आलोक शर्मा समेत प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी कर रहे हैं। वार्ड घोषित हुआ है तो हमारे वार्ड में बाहर के वार्ड के लोग उम्मीदवार हैं, वो यहाँ लंगूर बांध के डन बैठक कर रहे हैं हमारे वार्ड में। तो हमारे वार्ड के जो आदमी 40-40-35 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कलेक्शन का ला के दे रहे हैं और आजीवन नगदी के लाखों रुपए हमने इकट्ठा करके दिए, लेकिन आज जब टिकट की बात है भोपाल वार्ड 66 भोपाल का, वहाँ किसको दे रहे हैं टिकट? अरे अभी नाम बताया वो गिरीश शर्मा जो अभी 6 महीने नहीं हुए बीजेपी में आए हुए, दूसरे वार्ड कांग्रेस से है वो यार किसको टिकट दे रहे हैं। भोपाल में फॉरेस्ट क्रैक टीम सभी घटना स्थल का निरीक्षण कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगे से कोई भी जंगली जानवर उस क्षेत्र में ना आए। आपको बता दें कि आमजनों की सुरक्षा को देखते हुए फॉरेस्ट क्रैक टीम ने यह कदम उठाया है। जबलपुर के भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार शुक्रवार को अपना नामांकन भरेंगे। यह निर्णय भाजपा की चुनाव अभियान संबंधी बैठक में लिया गया। वहीं सांसद राकेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगर निगम चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई, जिसके बाद राकेश सिंह ने कहा कि प्रसन्नता की बात है कि महापौर प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर जामदार जी का चयन किया गया है। जबलपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक गणेशगंज स्कूल के पास लंबे समय से नशीले पदार्थों का कारोबार किया जा रहा था, जहां अवैध इंजेक्शन मात्र 300 रुपए में बेचे जा रहे थे, जिस पर शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुखबिर की सहायता से दबिश देते हुए 25 अवैध इंजेक्शन समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
आज मुखबिर की सूचना पर थाना रांची एवं क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने रांची क्षेत्र में 7 लोगों को अवैध रूप से बिना लाइसेंस के नशीली इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा गया है। उसमें अपराध दर्ज करके 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया है। ये काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी, लेकिन आज उस पर अच्छी कामयाबी मिली है पुलिस को, और इससे पूरा भय व्याप्त है, पूरे क्षेत्र में दहशत है। नक्सली वस्तु बिल्कुल बिक्री हो नहीं पाएगी अब, तो ये सारे इसके ज्वाइंट थे, ये सारे पकड़े गए हैं आज। इसमें रतन चौधरी है, अशोक चौधरी है, उनके लड़के बच्चे हैं सर, सारे लिप्त थे इसमें। बहुत सारी मात्रा है और एक एक इंजेक्शन को 300-300 रुपए में लोग बेचते थे। खबर मंदसौर से, जहां देश में बढ़ते इस्लामिक जिहादी को लेकर बजरंग दल ने कलेक्टर गौतम सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और रामनवमी के समय से पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान दल ने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में हिंसा जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, बावजूद इसके शासन और प्रशासन मौन बैठा हुआ है। वहीं बजरंग दल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। बजरंग दल के लोग आए थे जो देश में मध्य प्रदेश के बाहर कुछ स्थानों पर जो है कुछ हिंसा वगैरह या कुछ आगजनी वगैरह की घटनाएं जो प्रकाश में आई हैं, उसके संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दे रखा है। देश भर के अंदर जिस प्रकार जुम्मे की नमाज के बाद इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंदू घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंदू लोगों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं और लूटपाट जो की जा रही है, और रामनवमी के जुलूस के बाद जो जुलूस के ऊपर हमले किए गए पूरे देश भर के अंदर, उसके विरुद्ध पूरे देशव्यापी आंदोलन और धरना प्रदर्शन और ज्ञापन हुआ है, और हमने भी राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है मंदसौर जिले से, और प्रशासन से मांग की है इन जिहादी मानसिकताओं वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और दंगे भड़काने वालों के ऊपर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। रामनवमी की जब शोभा यात्राएं निकल रही थी, उस समय से ही मुस्लिम समुदाय द्वारा जगह जगह पत्थरबाजी की 100 से अधिक जगहों पर घटनाएं हुई है, और अभी तक वो निरंतर सिलसिला चलता रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद ये लोग इकट्ठे निकलकर पत्थरबाजी की घटनाएं और हिंदू समाज के लोगों को परेशान करना, आगजनी करना, बहन बेटियों के साथ गलत करना, इस तरह की घटनाएं निरंतर करते आ रहे हैं मुस्लिम जिहादी, तो उनके विरुद्ध हमने आज जिलाधीश महोदय द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया है कि इन पर अंकुश लगे और इस तरह की घटनाएं ना हो और कठोर से कठोर। नसरुल्लागंज में पहले बारिश में ही नगर परिषद की पोल खुल गई है। नालियों की साफ सफाई ना होने की वजह से लोगों को घरों में पानी घुस रहा है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शिकायत के बावजूद भी नगर परिषद का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। दूसरी ओर नगर के बीचों बीच 13 करोड़ की लागत से चल रहा नाले का काम भी अधूरा पड़ा है, जिसका खामियाजा नगर वासियों को उठाना पड़ेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिया था कि बारिश से पहले सफाई होना चाहिए, लेकिन कलेक्टर के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जो मेरे घर पानी भरा है कम से कम 4-4 फुट ऊपर घुटने तक, वो मैंने 4 फोन लगाया, नगर पालिका भी लगाया, सी ओ साहब को भी लगाया, तो पहले वाला शायद लग गया था, वो बोले भैया मेरा ट्रांसफर हो गया है, फिर मैं तो आया था। उसके बाद मैंने वो दरोगा जी को लगाया, बोले गाड़ी आ रही है, फलन जगह आ रही है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आई, बारिश भी बंद हो गई, मोटर से पानी निकाल रहा हूँ। इंदौर शहर में एक बार फिर महिला शोषण का मामला सामने आया है, जहां महिला ने अपने परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक महिला छत्तीसगढ़ की निवासी है, उसकी शादी इंदौर में एक परिवार में हुई थी, जहां पति समेत ससुराल वाले भी महिला को प्रताड़ित कर रहे थे, जिस कारण महिला को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जी, कल एक मामला आया था MG रोड थाना पर, एक महिला ने आकर शिकायत करी थी कि उसके ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, जिस पर से महिला को अच्छी तरह से सुना गया। उसके ससुराल पक्ष भी थाना पर उपस्थित आए थे, उनसे भी बातचीत की गई, जिसमें जाँच में ये तथ्य सामने आए हैं कि महिला से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। महिला की शादी जनवरी 2020 में हुई है। महिला मूलतः भिलाई की निवासी है, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, और शादी के पश्चात से ही यहाँ ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी, जिसमें अभी 11 तारीख को ननंद की शादी थी, जिसमें महिला छत्तीसगढ़ से सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आई थी अपने परिवार के साथ, परंतु यहाँ फिर से ससुराल पक्ष वालों ने उनको दहेज की मांग करी, प्रताड़ित किया, मारपीट की है, जिसके संबंध में यहाँ पर
धारा 498 और अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई है। खबर जबलपुर से, जहां बारिश का मौसम आने के साथ ही नगर निगम द्वारा जर्जर मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि निगम उन मकानों पर कार्रवाई करता है जो सालों से जर्जर है, क्योंकि ऐसे मकानों की बारिश में गिरने की संभावना होती है। कृषि उपज मंडी गेट नंबर 2 के सामने शांति देवी के जर्जर मकान पर कार्रवाई करते हुए निगम अधिकारी ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों पर यह कार्रवाई की जा रही है ताकि समय रहते हादसा टल सके। ये कार्रवाई जो है, ये शांति देवी कुगानी जो है उनका ये मकान था जो कि काफी समय से जर्जर अवस्था में था। इसका निरीक्षण किया गया भवन शाखा के द्वारा नगर निगम से और पाया गया कि मकान जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी गिर सकता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जांच के दौरान इसे तोड़ने के निर्देश दिए गए। आयुक्त महोदय के सक्षम स्वीकृति के उपरांत इसे हाथ तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जरहा गांव में भाजपा ने भव्य आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, साथ में पूर्व मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 साल बेमिसाल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं। पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी के पिछले 8 साल कई मायनों में बेहद अहम रहे, तो वहीं केंद्र सरकार पर विपक्ष की ओर से कई तरह के सवाल भी उठाए गए, लेकिन वह अपनी कई योजनाओं के जरिए लोगों में लोकप्रिय बने रहे। वहीं प्रदेश सरकार भूपेश बघेल के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि 4.25 साल में सरकार नरवा घुरवा बाड़ी में ही उलझे रह गए। इतना ही नहीं, रमन सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं विफल हैं। की बात हो, उनके लिए 42 लाख से 42 करोड़ खाते खोलने की बात हो, आयुष्मान भारत में उनके लिए 5 लाख तक के लिए इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की योजना हो, ऐसे बहुत सारी योजनाओं के साथ साथ एक डेवलपमेंट का वातावरण पूरे देश में बना और देश एक शक्तिशाली ग्रुप में, एक देश के रूप में, चुनौती के रूप में भारत सामने खड़ा हुआ है। एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, भारत ने अपना मान सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और यह 8 साल की गौरवशाली उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम इसी सभा के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेश की भ्रष्ट और बेईमान सरकार, जिसने 4.25 साल में कुछ नहीं किया, नरवा गरवा घुरवा बारी करके जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे और पूरा गौठान में सारा पैसा भ्रष्टाचार में अरबों रुपया चला गया, कोई गौठान का निर्माण नहीं हुआ, कोई जो खाद भी बेच रहे हैं किसानों को उसमें भी ना वो टेस्ट किया हुआ खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, नकली वर्मी कंपोस्ट किसानों को बेचा जा रहा है। शुजालपुर नगर पालिका परिषद चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जून को है। बावजूद इसके अभी तक कुल 25 वार्डों के 31 लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया है। देखा जाए तो यहां के नगर निकाय चुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच होगा। हालांकि अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टियों सहित अन्य उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्डों के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपने नामांकन पत्र दाखिल करवा दिए हैं। वहीं अब अन्य दावेदारों को अपनी अपनी पार्टी द्वारा फाइनल सूची जारी करने का इंतजार है। शुजालपुर में इस्लामिक जिहादियों और कट्टरपंथी के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हिंसक घटनाओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है, साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश रैली भी निकाली है। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस चौकी चौराहे पर पहुंची। SDM सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस रैली में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ये जो देश के अंदर माहौल चल रहा है, जैसे कोई भी हिंदू त्योहार होता है, रामनवमी का भी बीते दिन हमने देखा है कि हिंदू समाज द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा
देश के अंदर, पूरे देश के अंदर रामनवमी का आयोजन रखा था, जिसमें हर एक छोटे बड़े शहरों में रामनवमी के जुलूस निकले थे। उनके ऊपर योजना बना के कुछ जिहादी तत्वों ने, जो हमारे देश में बोलते हैं कि हम शांति समुदाय के लोग हैं, ऐसे लोगों ने, ऐसे कट्टरपंथियों ने PFI जैसे आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर उन रामनवमी के जुलूस निकालने वाले सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर पथराव किया। और देश के अंदर एक सुनिश्चित साजिश चल रही है PFI जैसे संगठन की, जो आए दिनों धर्म के नाम पर मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और एक सुनियोजित तरीके से योजना बनाते हैं और डायरेक्ट हिंदुओं की दुकान जलाते हैं, हिंदुओं में पथराव करते हैं। जहाँ जहाँ हिंदू कम है वहाँ वहाँ उनका हर जगह प्रभाव रहता है और ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग प्रताड़ित हैं। योगी वार्ड से जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि महर्षि महेश योगी वार्ड से बाहरी व्यक्ति को टिकट दी जा रही है, जिसका वह विरोध करते हैं। अगर पर्ची को पार्टी को टिकट देना ही है तो वार्ड में कई सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो कि लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। बाहरी व्यक्ति को टिकट देना सरासर गलत है, जिसको लेकर वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मामले से अवगत कराया है। आज हम सभी महर्षि महेश योगी वार्ड के भाजपा कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो सभी उपस्थित हुए हैं। हम सभी का विरोध इस चीज़ को लेकर है कि हमारे बीच में से किसी को टिकट नहीं दी गई है और बाहर के जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर है दुर्गा उपाध्याय जी, उनको टिकट दी गई है। हमारे द्वारा इस संबंध में सांसद जी और नगर अध्यक्ष महोदय से भी पूछा गया, लेकिन एक दूसरे पर वो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमारा जो पूर्व विधानसभा है, अगले साल ही मध्य प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व विधानसभा सबसे कमजोर विधानसभा है, 35,136 वोटों से पूर्व विधानसभा हारे हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो पूर्व विधानसभा है यहाँ पे एक कुशल नेतृत्व होना चाहिए, ताकि जो टिकट का वितरण है वो सही तरीके से हो सके। मैं 1988 से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हूँ, विभिन्न विभिन्न पदों पर भी रही हूँ और जिताया भी है, लोग हारे भी हैं और निरंतर बिना लालसा के कार्य करती आ रही हूँ। लेकिन अब कुछ वर्षों से, यानी 2009 से ये सब गतिविधियाँ हो रही हैं कि बाहरी प्रत्याशी को लाके हमारे वार्ड में ला रहे हैं और कुछ तो, और जनरल सीट में OBC लोगों को सीट दी जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जनरल वार्ड में जनरल ही प्रत्याशी खड़ा हो, नहीं तो जनरल वाले फिर कहाँ जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे विधानसभा लोकसभा से मतलब जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर सारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और लोकसभा और विधानसभा इनको अवॉइड कर रही हैं, यहाँ के प्रत्याशियों को मतलब नेगलेक्ट कर रही हैं और बाहर के प्रत्याशी को यहाँ पर बाहर से काज घर से दुर्गा उपाध्याय को यहाँ पर ला के और खड़ा कर दिया हम लोगों के बीच में। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, अच्छे कैटेगरी के आते हैं। तो क्या यहाँ वार्ड में कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, जो आप बाहर के दुर्गा उपाध्याय को यहाँ ला के आपने खड़ा कर दिया है। हम आगे से ये ध्यान रखते हुए कि हम ना लोकसभा का प्रचार करेंगे ना विधानसभा का प्रचार करेंगे। अगर आप आज निर्णय अगर नहीं अपना बदलते हैं तो सारे जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो अपना काम छोड़ देंगे, कोई राजनीति का काम नहीं करेगा, उनका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पार्षद का टिकट ना मिलने पर कई पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कर्णावत नगर के 21 पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं समेत भाजपा कार्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष को इस्तीफा दिया है। पदाधिकारियों का कहना है कि पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बेटमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा कर लगभग 10 लाख का आभूषण बरामद किया है। पूरी खबर इंदौर के बेटमा क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक फरियादी तुषार जैन ने बताया कि अज्ञात आरोपी ने उसके घर से लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा और देपालपुर न्यायालय में पेश कर लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य आरोपियों का भी खुलासा हो सके। तुषार जैन के यहाँ जब ये लोग शादी में झालावाड़ गए थे, उस दौरान के घर में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें 8 लाख रुपये का मशरूबा 40 करोड़ रुपये की रूप में चोरी हुआ था।
आई जी सर श्री राकेश गुप्ता, डी आई सर श्री चंद्रशेखर सोलंकी, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री भगवत सिंह बर्वे और एडिशनल एस पी शशिकांत कटकरे, हमारे एस डी पी सर अमित चौहान के नेतृत्व और निर्देशन में एक प्रभावी टीम बनाई गई और लगातार पटारे से पूछताछ करने पर ये स्पष्ट हुआ कि उसी घर में रहने वाले किराएदार मंजू सोनी और उसका साथ में निवास करने वाला सोनू उन्हें मिलकर रोशनदार से घुस के चोरी को अंजाम दिया गया था। मनावर में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है, जिसको लेकर थाने में हथियार जमा होना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता का पालन कराने के लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपने हथियार पुलिस अधिकारियों के पास जमा करवाने होंगे। वहीं मनावर थाने पर मनावर तहसील के लगभग 80% लाइसेंसी हथियार जमा हो गए और यह हथियार चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह बाद वापस प्राप्त कर सकेंगे और पुलिस के द्वारा बाकी के हथियार भी जल्दी जमा किए जाएंगे। आगामी पंचायत चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग जो है समस्त थाना क्षेत्र के शस्त्र धारकों से शस्त्र जमा करवा रहे हैं, क्योंकि लगभग 80% शस्त्र हम लोग अभी जमा करा चुके हैं। लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, कई माध्यमों से उनको सूचना करा दी गई समस्त शस्त्र धारकों। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां बड़ा बांगडंगा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का वहीं रहने वाले दंपति ने प्राइवेट पार्ट काट दिया। गंभीर हालत में युवक को एमबीआई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल युवक की दोस्ती पास में रहने वाले सुभाष की पत्नी से थी, जिसे लेकर सुभाष और अजय में विवाद हुआ और सुभाष ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर युवक का ऐसा हश्र किया। पुलिस ने दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरा छोटा भाई है अजय डामटिया, उसको कल सुभाष मोर ने धोखे से बुलाया उसकी वाइफ ने घर पे कि मेरा पति मेरे को मार रहा है, आप आ जाओ। तो ऐसे ही गया वो, ऐसे ही सुभाष ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसको मारा बहुत। वो छाती भी बैठ गया और हथियार से वार करा उस पर और बहुत गुप्त अंग पर, और जान से मारने की धमकी दे रहा है। बोले जान से मार डालूंगा तेरे को, तेरे खानदान को, तेरे माँ बाप को, दोई को, तेरे बाप की गर्दन काट के फेंक दूंगा। विवाद ये 3-1 महीने पहले उसकी वाइफ है सुभाष की, तो इसकी बातचीत थी। तो 1.5-2 महीने पहले ये सुभाष से अपने बात करके मामला पूरा ख़त्म करवा दिया था। तो फिर इनने बात चल्लू कर ली, उसकी औरत ने फिर बात फ़ोन लगाया इसको आगे होके और बुलाया धोखे से और मारा। दो ही औरत आदमी ने, दो ही ने मारा मिल के। नसरुल्लागंज में बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार शक्ति सिंह को ज्ञापन सौंपा और देश में अशांति फैलाने वाले जिहादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान भेरुदा प्रखंड के सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी जी के नाम पर हम ज्ञापन हिंदू परिषद ज्ञापन सौंपने आए हैं कि देश में इस्लामी और जिहादी कट्टरपंथी हिंसा, जो हिंदुस्तान के अंदर हिंसा हो रही है, हमारे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ज्ञापन सौंपने आए कि जो भी कट्टरपंथी इस तरह के जिहादी है इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और जो भी ये पथराव कर रहे हैं, सारे घटना कर रहे, जैसे जुलूस निकलता हमारे रामनवमी पे जुलूस है, हमारे जो भी त्यौहार रहते उन पे यो साजिश कर और उनके ऊपर पथराव करना, हिंदू समाज को दबाना, ऐसे जिहादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको सलाखों के अंदर किया जाए, ये हमारी मांग है बीच में हिंदू परिषद बजरंग दल की। जबलपुर में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां 42,60,000 रुपए के साथ पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और युवक से पूछताछ कर रही है। जहां पुलिस के मुताबिक हवाला के पैसे खबर होने की खबर है, तो वहीं पुलिस को हवाला से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आने की आशंका भी है, जिसके बाद पुलिस ने इनकम टैक्स को भी सूचना दे दी है। दमोह में त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया के बीच भाजपा से नाराज चल रहे पूर्व पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी खुलकर दिखानी शुरू कर दी है।
जहां दो दिन पहले पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया भाजपा को छोड़ने का सार्वजनिक ऐलान किया, तो वहीं बुधवार को लगभग 5 से 6 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष को सौंपा है। और इसके बाद पूर्व महामंत्री रमन खत्री, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी कपिल सोनी, मंडल अध्यक्ष मनीष तिवारी, संतोष रोहित, अभिलाष हजारी के बाद कुछ पदाधिकारियों सहित कुछ महिला मोर्चा की महिला पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। वो बात वही है कि इतने लगातार काम करने के बाद पार्टी द्वारा इतना अपेक्षित होना, जो शायद डेढ़ साल से देख रहे थे चुनाव के बाद से लगातार किसी भी पायलट कार्यक्रम में नहीं बुलाना, 15 अगस्त से कार्यक्रम में सूचना देना, शायद लोग मन में कहीं ना कहीं बहुत दुखी कर रहा था। पार्टी में काम करने के बाद हम लोग इतनी आदत पड़ चुकी थी और पार्टी के लिए हम लोग सब समर्पित थे, आप लोग शायद सब जानते हैं इस चीज़ का। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिद्धार्थ भाई ने इस्तीफा दिया था, पिछले कुछ समय से हम सब देख रहे थे कि मैंने पार्टी में हम हैं, कपिल जी, मनीष जी हैं, संतू जी हैं, अपने अभिलाष हजारी मिलती हैं, देवेंद हैं, 4 ये मंडलाध्यक्ष हैं और मैं पूर्ण जिला महामंत्री रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 3 बार महामंत्री रहा हूँ। कपिल जी दूसरा बार मोर्चा में अध्यक्ष रहे हैं। युवा मोर्चा में भी मैंने लगभग 10 साल जिलाध्यक्ष पद का दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है, जो मैंने इस्तीफा में भी उल्लेख किया है, जो आपको एक कॉपी देंगे, कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में वरिष्ठ और पुराने जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी घनघोर उपेक्षा हो रही है और दल बदल कर जो नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में उनको काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो दल बदल कर नेता आ रहे हैं उनके पैरों तले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मूल विचारधारा को ढूंढवाने का काम कर रहे हैं, जिससे मन काफ़ी आहत है। मैं इसी कारण से आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से हमने इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ और नए युवा साथी जो जयंत मलैया जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है सभी प्रकार से। इन सब तरीकों से हम लोगों ने प्रताड़ित होकर, और जो कांग्रेस से आए हुए जो नेता हैं, आज तक नेता हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, उनको हमारे मूल कार्यकर्ता ऊपर बैठा कर नेता बनाकर उन्हें बड़े बड़े पद देकर उनको राजनीति करवाने का हम लोगों का बड़ा मन सुप्त है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इस्तीफा देने आए थे। जबलपुर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 3 लोग के साथ ही उम्मीदवार कार्यालय में नामांकन पत्र जमा करने अंदर जा सकते हैं, तो वहीं कलेक्टर कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। एक्चुअली नॉमिनेशन जो चुनाव आयोग के निर्देश है उसमें यह प्रमुख है कि एक अभ्यर्थी के साथ सिर्फ 3 व्यक्ति जा सकते हैं, और इस वक्त कलेक्टेड ऑफिस भी चल रहा है तो सुरक्षा का दायित्व थोड़ा सा बड़ा है, तो हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं किसी आम आदमी को तकलीफ ना हो, कैंडिडेट को भी तकलीफ ना हो, और उसको नियम कानून से अवगत कराते हुए हमने ये व्यवस्था लगाई थी। पार्किंग आर्किंग में भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र नियमों के अनुसार प्रस्तुत करें और लोगों को भी तकलीफ ना दें। आज से छत्तीसगढ़ के सभी जगहों पर शाला प्रवेश की शुरुआत हो चुकी है, जिसे 16 जून से 30 जून तक शाला प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सीतापुर नगर पंचायत में स्थित प्राथमिक शाला सीतापुर में शाला प्रवेश उत्सव की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्यतः नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह सिंगर के साथ जनप्रतिनिधि एवं शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बच्चों के साथ ही उनके अभिभावक भी काफी संख्या में मौजूद रहे। शासन के निर्देशानुसार 16 जून से 30 जून तक सभी विद्यालयों में, संकुलों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाना है। उसी तारतम्य में आज हमारे विकासखंड के सभी विद्यालयों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। उसके तहत हम जहां अभी बैठे हैं, यहां प्राथमिक शाला सीतापुर में भी शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन यहां के नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष की उपस्थिति में अभी आयोजन किया गया, और जो बच्चे यहां नव प्रवेशी आज एडमिशन लिए हैं
ऐसे लगभग 6-7 बच्चे एडमिशन लिए हैं जिनको मिष्ठान खिलाकर उनको पाठ्यपुस्तक गणवेश प्रदाय करते हुए उनका स्वागत किया गया और उनको कक्षा में प्रवेश दिया गया। ये बीओ का कार्यालय के बाजू में है, प्राथमिक शाला बस्ती स्कूल सीतापुर जी। प्रवेश उत्सव 2022-23 एकदम अभिभावकों में भी उत्साह दिखा, वो अभिभावक भी बढ़ चढ़ के आए थे आज प्रवेश उत्सव में। और सभी अभिभावकों से भी हमने अपील किया है कि बच्चों का जितने भी कोई बच्चे छूटने ना पाए और सभी का स्कूलों में दाखिला कराए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।